और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं जहां खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना संबोधन दे रहे हैं। एक स्मार्ट टैब देंगे और हम सभी को इसी साल के पहले दिन डीबीटी के माध्यम से सबके खातों में पैसा डालने वाले हैं। 12,000 रुपए की धनराशि आपके खातों में डालेंगे, उन बच्चों को जो है सीधे टैबलेट उपलब्ध होगा। अभी कोरोना महामारी को देखते हुए हमने तय किया कि जितनी परीक्षाएं जो एक साल नहीं हो पाई, इसलिए हमारे भाई बहनों का समय खराब नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि हम लोग टैबलेट देने वाले हैं, बच्चों जरा बताइए, टैबलेट समझते हैं सब लोग? नहीं समझते? समझते हैं। जो छोटा कंप्यूटर होता है, चलिए जिसको समझ में आता जरा ऐसे दिखाइए। हाँ, इधर आता है तो छोटा कंप्यूटर, छोटा मोबाइल जैसा, वो सभी को देने वाले हैं। मतलब पैसे देंगे, उसका आप लोगों ने खरीदना है, और किसी ने पैसे रखने नहीं है, क्योंकि उसके बाद ये भी तय किया जाएगा कि किसने खरीदा है किसने नहीं खरीदा है। ये डीएम साहब और हमारे शिक्षा विभाग के लोग जो है इसको सुनिश्चित करवाएंगे। तो एक साल समय किसी का खराब ना हो कोरोना महामारी में, उसके लिए हमने क्या करा है, जितनी भी हमारी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में सभी में एक साल का रिलैक्सेशन दे दिया आईसीएमआर ने, यानी कि एक साल की छूट दे दी है। और जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे, उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग है उसकी परिधि में आने वाली परीक्षाएं, चिकित्सा चयन सेवा बोर्ड के अंदर आने वाली, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत आने वाली परीक्षाएं, उन सभी परीक्षाओं में हमने एक साल की आयु सीमा बढ़ाई है। और आयु सीमा ही नहीं बढ़ाई है, आप जितनी भी परीक्षाओं के फॉर्म भरेंगे उन सारे फॉर्म भरने के लिए हमने शुल्क को निःशुल्क कर दिया है, यानी कि अब कोई पैसा फॉर्म भरने में नहीं देना होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो जब परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए वो प्री एग्जाम जो निकाल लेंगे, आईएएस का एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम, लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले एग्जाम, सारे एग्जामों के प्री एग्जाम निकालने के बाद उनको आगे की पढ़ाई करने के लिए, ये सब आपको पता है हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, पता है? आगे की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए 50,000 रुपए की व्यवस्था सरकार की तरफ से हमने व्यवस्था की। ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, हमने आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया है, हमने आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया है, पीआरटी के जवानों का बढ़ाया है, उपनल के कर्मचारियों का बढ़ाया है, हमारे ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाया है, ऐसे बहुत सारे भोजन माताओं का बढ़ाया है। कोई क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं है जिस क्षेत्र में हम काम नहीं कर रहे हैं। क्यों दीवान साहब, पता है? ये दीवान साहब हम लोग बचपन से जो है साथ उठते थे, खेलते थे, पहाड़ जाते थे तो इनकी दुकान में रहते थे, वहां वहीं रखते थे सामान रोडवेज में। तो ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों ने आगे बढ़ाए हैं। मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि कहने के लिए मेरे पास बहुत है, इंस्पेक्टर साहब हरेश जी अगर मैं कहूंगा तो यहां से कई घंटे लग जाएंगे। अब मेरे से पत्रकार को भी जगह जगह मैं जाता हूं, सारे चैनलों में, कल भी आप लोग सुन रहे होंगे, आज तक में था मैं, तो पता क्या कहते हैं वहां से, कहते हैं आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन आपको समय बहुत कम मिला है। अब मैं उनसे कहता हूं भाई, जितना भी समय मिला है मैंने कोशिश की है, एक एक पल और एक एक क्षण मैं अपने राज्य के लिए समर्पित करूं, चाहे आपदा का समय हो चाहे कोई अन्य समय हो। मैंने प्रत्येक जनपद में मैं गया हूं, मैंने कोशिश की है प्रत्येक विधानसभा में जाऊं,
और इन चार साढ़े चार महीनों में मैंने हर जनपद में गया, और अपने इस जनपद की बात न करिए, पिथौरागढ़ की बात मत करिए, नैनीताल की बात मत करिए, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे चमोली हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे सीमांत का धारचूला हो, एक एक जनपद में पांच पांच छह छह बार भी जा चुका हूं। और इसलिए जाता हूं कि जब आप लोगों के बीच में आता हूं तो आप लोगों से जब बात करता हूं तो बहुत सारी जानकारियां होती हैं, बहुत सारी समस्याओं का पता लगता है, बहुत सारी बातों का समाधान होता है। मैं आपको बताऊं, जब आपदा के समय में मैं नारायणगढ़ ब्लॉक में चमोली जिले के डुमरी गांव में गया था, और डुमरी गांव में जब मैं गया, आप सीके साहब वहां रहे हैं चमोली में, एक डुमरी गांव है जहां आपका आईसीएम है।